हेलो एवरीवन, मैं रोशन सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए थर्मल इंजीनियरिंग में यूनिट फोर को कंटिन्यू कर रहे हैं। यूनिट फोर में हम लोग बॉयलर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, बॉयलर के टाइप्स, उसके प्रिंसिपल, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा दिए थे। फिर प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो है कोकरन बॉयलर के बारे में पढ़े थे, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो आज हम लोग नेक्स्ट बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर कहें, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बड़े बड़े पावर प्लांट में जो है इस तरह के बॉयलर का एप्लीकेशन होता है, ठीक है। पर हम लोग के एग्जाम में ज्यादातर अगर कोई बॉयलर आता है तो वो कोकरन बॉयलर के बारे में आता है। ये सब अभी तक तो नहीं पूछा है, कम चांसेस है पूछने का, फिर भी हमको हर एक बॉयलर के वर्किंग प्रोसेस के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। आप सामने यहाँ फिगर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर जो है इसका पूरा इमेज दिया हुआ है। ये एक तरह का स्टेशनरी बॉयलर है। स्टेशनरी कहने का मतलब है कि जहां भी जिस इंडस्ट्रीज में, जहां पावर प्लांट में ये लगा रहता है, वो अपने जगह पर फिक्स होता है। तो क्या कह रहा है, इट इज अ नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर। तो सबसे पहले इसमें जो अगर आपको बात याद रखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में एंट्रेंस में आ जाता है कि बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर किस टाइप के बॉयलर है, फायर ट्यूब है कि वाटर ट्यूब है। तो ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है, और वो भी कैसा है, नेचुरल कन्वेक्शन, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो है एसएससी के एग्जाम में डायरेक्ट आ गया है कि ये किस तरह के बॉयलर में आता है, और वहां पर ऑप्शन दिया था नेचुरल कन्वेक्शन वाटर ट्यूब बॉयलर, तो आप उसको टिक मारेंगे। कह रहा है इट इज अ स्टेशनरी टाइप वाटर ट्यूब बॉयलर, ये स्टेशनरी टाइप होता है, मूवेबल नहीं है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल ड्रम बॉयलर और हॉरिजेंटल ट्यूब बॉयलर, ठीक है। आप देखिए फिगर में देख पा रहे हैं कि वहां पर आपको एक ड्रम दिख रहा है, और उस ड्रम को अगर आप अच्छे से इंटरनल पार्ट में जाके देखेंगे तो उसका हाफ सेक्शन बना हुआ रहता है। एक हाफ सेक्शन में वाटर स्टोर रहता है, और एक हाफ सेक्शन जो स्टीम के लिए है। आप देख रहे होंगे कि जो राइट साइड आपको फिगर दिख रहा है, उस राइट साइड फिगर में एक पाइप लगा है, जिसको हम लोग जो है वो लोअर हेडर कहते हैं या डाउन टेक हेडर कहते हैं। और लेफ्ट साइड में देखिए फिर एक पाइप और लगा हुआ है, जिसको हम लोग अपर हेडर और अपटेक हेडर कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि इट इज आल्सो नोन एज लॉन्गिट्यूडनल ड्रम बॉयलर और हॉरिजेंटल ट्यूब बॉयलर, क्योंकि इसका जो बॉयलर है वो हॉरिजेंटल, इसका जो ड्रम है वो हॉरिजेंटली अरेंज है, और उस बॉयलर मतलब उस जो ड्रम है उसको दो भाग में बांट दिया गया। एक भाग का हाफ पोर्शन में जो है वाटर पूरा स्टोर किया हुआ है, दूसरे हाफ पोर्शन में जो है वो स्टीम स्टोर किया, और उसी उसी में क्या किए हैं, एक पाइप का अरेंजमेंट करके सुपर हीटर का भी अरेंजमेंट कर दिया गया, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस हाई प्रेशर स्टीम। याद रखना है कि जहां पर आपको हाई प्रेशर स्टीम का रिक्वायरमेंट होगा, मतलब आपका मेन क्रिटेरिया है कि एक्सेस प्रेशर चाहिए, ठीक है, हाई स्पीड में चाहिए, हाई स्टीम कैपेसिटी के साथ चाहिए, तो वहां पर आप बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर का यूज करेंगे। तो क्या कह रहा है, इट प्रोड्यूसेस हाई प्रेशर स्टीम, ठीक है। कह रहा है कि इस तरह के बॉयलर में, ध्यान देंगे, इस तरह के बॉयलर में जो ट्यूब आपको दिख रहा है, देखिए यहां पर ट्यूब आपको इंक्लाइंड दिख रहा है, देखो राइट साइड से एक पतला सा पाइप है, और फिर आपको जो है जिगजैग वे में बहुत सारा पाइप है, पर वो पाइप जो है इंक्लाइंड करके है, तो वो इंक्लाइंड पाइप जो है लगभग 15 डिग्री बना हुआ रहता है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। और देखो नीचे से जो हीट आ रहा है वो हीट उस पूरे पाइप में, क्योंकि पाइप के अंदर क्या है, पानी है, और उसके चारों तरफ देख रहे होगे कि हीट है, तो वो जो फर्नेस से हीट निकल रहा है वो क्या कर रहा है, पाइप को गर्म कर रहा है, और पाइप के अंदर जो है वहां से लोअर हेडर से जो है वाटर आ रहा है, और जैसे वो गर्म हो रहा है, तो गर्म होगा तो क्लियर है कि उसका डेंसिटी वाटर का जो है कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो ऊपर की ओर जाएगा, और वह अपर हेडर में जाके, और फिर वो जो बॉयलर का सेक्शन है उस बॉयलर में जाके स्टोर हो जा रहा है, जहां पर स्टीम चैम्बर उसका बना है, स्टीम ड्रम बना है। अब वो स्टीम ड्रम क्या है, फिर वहां से एक सुपर हीटर निकला है, और चूंकि फर्नेस पूरा आपका चारों तरफ उसका लगा हुआ है, देखिए वहां फिगर में, तो वो सुपर हीटर क्या कर रहा है, जब हम लोग चिमनी से गैस को बाहर करने वाले तो सुपर हीटर को वो गर्म कर रहा है, और उस स्टीम का क्वालिटी क्या हो रहा है, और इम्प्रूव कर जा रहा है। तो आई थिंक आपको पूरा वर्किंग अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे वहां से पानी आ रहा है, फिर वो जो पाइप इंक्लाइंड है उसमें हीट आ रहा है, चूंकि फर्नेस नीचे कोयला जल रहा है तो
तो उससे लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो इंक्लाइंड पाइप है उसमें पानी आ रहा है उसको गर्म कर रहा है, चूंकि पाइप गर्म हो चुका है तो उसके अंदर जो पानी आ रहा है वो भी गर्म होगा और कन्वर्टेड इनटू द स्टीम, और उसका डेंसिटी कम है इसलिए ऊपर की ओर वह आसानी से उठते जा रहा है, इसलिए नेचुरल कन्वेक्शन है, अपने आप ये काम हो रहा है। जैसे जैसे आपका कन्वेक्शन मतलब आप कह सकते हैं डेंसिटी का डिफरेंसेस आ रहा है उसके कारण ऊपर नीचे अपने आप आ जा रहा है, ठीक है। तो आई थिंक वर्किंग आपको समझ में आ चुका होगा। ओके, अब कंस्ट्रक्शन पार्ट में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इस फिगर को बना देना है, क्लियर है। बस दो तीन चीज याद रखेंगे, देखिए बहुत टाइप का बॉयलर है, बस आपको एक चीज याद रखना है कि कोई भी बॉयलर किस टाइप का है, वाटर ट्यूब है कि फायर ट्यूब, बस ये याद रखना, बाकी बात वर्किंग प्रोसेस सेम है, ठीक है। पानी आएगा उसको गर्म करेगा, स्टीम बनाएगा, फिर उसको स्टोर कीजिए, फिर पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन के पास भेज दीजिए, फिर अल्टरनेटर लगा हुआ और वहां से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। तो वर्किंग हर एक टरबाइन का एक ही सॉरी बॉयलर का एक ही है, बस याद रखना है कि वाटर ट्यूब का जो प्रोसेस होगा और फायर ट्यूब उसमें थोड़ा डिफरेंसेस होता है। वाटर ट्यूब में ट्यूब के अंदर पानी और चारों तरफ फायर रहेगा, पर फायर ट्यूब में क्या है, ट्यूब के अंदर पानी और चारों तरफ फायर ट्यूब में क्या है, ट्यूब के अंदर फायर और चारों तरफ पानी रहेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, फिगर बना देना और जो टर्म आ रहा है उसको दिखा देना है। तो स्टीम ड्रम आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन, इसमें दो पार्ट किया हो रहा था, एक वाटर के लिए रहता और एक स्टीम के लिए रहता है, ठीक है। फिर लोअर हेडर और डाउन टैंक है, यहां से क्या होता है, वाटर जो है वह इंक्लाइन पाइप में एंट्री करता है, और चूंकि वो पाइप जो है पूरे फर्नेस के चारों तरफ लगा हुआ है, मतलब जहां पर हीट हो रहा है वो हीट के संपर्क में है, तो वो पाइप क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है और उसके अंदर पानी है तो वो कन्वर्ट कर दे रहा है स्टीम में, और चूंकि उसका डेंसिटी कम हो जा रहा है स्टीम का, तो वह आपका अपर हेडर से देखिए टैंक के अंदर वापस चला जा रहा है। फिर सुपर हीटर लगता है, सुपर हीटर के बारे में आप पढ़े थे कि सुपर हीटर क्या करता है, जो एग्जॉस्ट गैस चिमनी के थ्रू बाहर जाने वाला रहता है उसमें क्या करते हैं, स्टीम को, और ये पतला पाइप रहता है, उस स्टीम को उस पतले पाइप से गुजारते हैं और वो पाइप वो जो सुपर हीटर है वो एग्जॉस्ट गैस के रास्ते में लगा हुआ रहता है और एग्जॉस्ट गैस का जो हीट है उसका यूज करके उस स्टीम की क्वालिटी को और बढ़ा देता है। फिर वाटर ट्यूब है, आप देख रहे हैं इंक्लाइन से वाटर ट्यूब लगा हुआ है जो लगभग 15 डिग्री का इंक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया हुआ है, बहुत सारा जो वाटर ट्यूब है ये जिगजैग वे में अरेंज किया हुआ रहा है। फिर है ग्रेट का मतलब सतह है जहां पर कोयला को हम लोग लाके जलाते हैं, ठीक है। फिर फर्नेस हो गया, ये आपका भट्टी यहाँ पर दिख रहा है जहां पर कोयला जल रहा है, आपको चारों तरफ से आप देख रहे होंगे कि फायर ब्रिक्स लगा हुआ है जो अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने दे रहा, ठीक है। फिर मड कलेक्टर है, देखिए नीचे सेक्शन में आप जो लोअर हेडर आपको दिख रहा है उसके जस्ट सेक्शन में आपको मड कलेक्शन है। अगर मान लीजिए बॉयलर के ड्रम में किसी तरह का मड पार्टिकल्स जमा हो चुका है तो मड कलेक्टर में वो आके इकट्ठा होता है और उसको बाहर हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। फिर फिट चेक बल्ब है, फिट चेक बल्ब का क्या काम होता है, ये बॉयलर के अंदर देखता है कि वाटर का लेवल कहीं कम नहीं हो रहा और उसके कारण कहीं एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी तो नहीं जा रहा है। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जा रहा है तो ये क्या होता है, फिट चेक बल्ब जो है वाटर के सप्लाई को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर एक आपका डैम्पर है, डैम्पर का काम होता है कि बॉयलर के अंदर कंटिन्यूअस जो है एयर के सप्लाई को भेजते रहना, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बॉयलर का पूरा वर्किंग इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आ चुका होगा। तो आई होप अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नए बॉयलर के साथ मिलेंगे, तब तक आप इस लेक्चर को बार बार देखिए, अच्छे से समझिए, आपको छोटा सा एनिमेशन भी दिखाते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए बॉयलर के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, थैंक यू।